सोनुमा गुड मॉर्निंग। ग्लाकू बिल्कुल भी कारपेट मादूर ये सब में नहीं रहती है, वो देखो ठंडे में इधर ही आ जाती है। आई ग्लाकू हाथ घोड़ा ले नारू देबो नईले नारू कोथाय पाबो, हाथ घोड़ा ले नारू देबो नईले नारू कोथाय पाबो। তুমি এগুলো কি করছো বলো? হাই গ্লাকা, সুবহ উঠতেই না মুঝে এসে নেচার মে আনা বহুত জায়গা পছন্দ হ্যাঁ। ইয়ে নিম, ইয়ে নিম কা পেড় হ্যাঁ গ্লাকু কে মুখে ভাত কে লিয়ে ইসকো কটওয়া কে ইতনা তক হাম লোগ পান্ডাল করনে ওয়ালে থে, পর মে বিমার থি অর পান্ডাল ওয়ালা ভাইয়া নে উসকা ফায়দা লে লিয়া, ইতনা সা হি বানায়া ফির ছোড়ি দো উস চিজ কো। সো মে কিউ ইধার আই হু মে আপকো বাতাতি হু। मैं थोड़ा सा साउथ इंडियन डिश बनाती हूँ ना, उसमें करी पत्ता लगता है। तो करी पत्ता ना इधर पे ऐसे नॉर्मल सेल नहीं होता है, पता नहीं कहाँ होता है, तो लोगों के घर पे पौधा था होता है, क्योंकि घर पे थोड़ा सा जगह सबका होता है कि पौधा लगा सके। तो मम्मी पापा ने ये लगाया है, देखो ये बड़ा भी हो गया है। सो मैं अभी गोधूमा रवा उपमा बनाऊँगी, मतलब दालिया उपमा बनाऊँगी, जो हम भी खाएँगे ग्लाकू भी खाएगी। तो इसके लिए मैं इधर से ये लेने आई हूँ, पर ये देख के ना मुझे तोड़ने का मन नहीं कर रहा है। पर मम्मी जी इधर से तोड़ के लेती है। नीचे से लो। हाँ ना नीचे से लो। नीचे से लो। डांडी तो थोड़े पतंग लोटे रहे। डांडी तो खाके पतंग लोटे रहे। ना डांडी तो छीले नहीं बे, ताहले एक घंटा तक ग्रोथ पावे। ओ। एक घंटा स्टिमुलेट होवे ग्रोथ का, ताहले आठ टक डांडी बेरो। अच्छा। तुम जो डांडी तो नहीं ना, तो डांडी तक क्या पता बेरो बे। आज सोचा था कि वर्मासिली बनाऊंगी, पर पापा भी नहीं ऑफिस गए हैं और आज भेज है, तो अंडा वंडा कुछ नहीं डाल सकते हो। सो फिर सोचा, फिर देर हो रहा है, मम्मी जी छत पे थी, अनिर्वाण वॉशरूम में था, अनिर्वाण आने के बाद फिर काकू के साथ गप्पे कर रहा था। देखो मैं गप्पे के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर अगर उसको नहीं पकड़ोगे तो मैं करूँगी कैसे। तो फिर से फ्रिज में नहीं खोलती हूँ, मम्मी जी आके फिर दही देंगे ये करेंगे, तो बहुत लेट हो गया था। फिर सोचा कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर सोचा कि दलिया ही बना देती हूँ, फिर सब लोग एक साथ वही खा लेंगे, तो ग्लाकू को भी खा लेगी। देखो उसको नीचे जाना है बाबा। ग्लाकू 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 मम्मी के थम्मी के लिए नया फोन आया है, थम्मी फोन आया है ये थम्मी के गिफ्ट आया है ग्लाकू की तरफ से। मम्मी जी बाहर नहीं जाएंगे, पर्दा नहीं खोलेंगी। ये रहा मम्मी जी का नया फोन रेडमी 12C, पर इसको देखिए प्रॉब्लम हुआ है, मैं आपको बातें बताती हूँ। मम्मी जी का जो पुराना फ़ोन था ना, वो एक्सचेंज हो रहा था, तो एक्सचेंज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि एक्सचेंज मैं हर बार देखी हूँ कि हम लोग बोलते हैं ये ठीक है, पर जो लेने आते हैं वो नहीं ठीक नहीं है, मतलब वो भी उनके तरफ से तो पूरा ये करेंगे ना, जितना हो सके, तो उनके ऊपर बर्डन आ जाता है। तो वो अभी हुआ है, पर ये करते करते इतना लेट हो गया, 11 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट बन गया था पर खा नहीं पाए। तो अभी जो है ना, वो ग्लाकू को थोड़ा सा हम लोग उसकी जो डॉक्टर है डॉक्टर डेविड, उनके साथ थोड़ा सा वीडियो कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉलिंग में थोड़ा सा ग्लाकू को दिखाएंगे कि उसका ना सर्दी जो है ना कम नहीं हो रहा है, एक दिन बढ़ रहा है एक दिन कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो फिर भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कंसल्ट करा लेते हैं, अगर डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं पास में कोई डॉक्टर को दिखा लो, चेस्ट दिखाना है तो फिर पास में दिखा लेंगे, क्योंकि उसका जो होम फिजिशियन है ना, पहले उनका ही सलाह लेना अच्छा होता है, कि उनको वो देख रहे हैं ना, उनका एक नॉलेज है इसके ऊपर। मेरा बहुत सारा पार्सल जो मुझे खोलनी है। गाइस, जब से मैंने ये लव लैब का डाइपर यूज़ किया है ना, ऑनेस्टली मैं एकदम मन से बोल रही हूँ, बहुत तकलीफ़ कम हो गया है। जब भी ग्लाकू को दूसरा कोई डाइपर पहनाती हूँ, लीकेज होता है ये होता है,
रात भर ना ग्लोको एक ही डायपर में रहती है, ये 12 आवर्स की डायपर है क्योंकि रात में वो पॉटी नहीं करती है, पर सुबह उठते ही वो पॉटी करती है और जब भी उठ जाएगी वो पॉटी कर देगी। तो दूसरे वाले डायपर में क्या होता था कि वो बिस्तर पे पूरा लग जाता था क्योंकि रात भर सुसु में डायपर गीला रहता था, पर ये वाले डायपर में भी ऑलरेडी उसने पॉटी किया है पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब कोई भी लीकेज कुछ नहीं होता है, पहना दो। और ग्लोको को ये पसंद भी जाता है। हाँ ये बहुत अच्छा डायपर है सही में, लव लैप का सुप्रीम पैंट डायपर है ग्लोको के लिए। दे एक तो दे, ग्लोको के लिए हम एस वाला यूज़ करते हैं, 8 kg तक शायद एस यूज होता है, पर नेक्स्ट मंथ से हम लोग उसके लिए एम ऑर्डर करेंगे। ग्लोको जाओ चेंज करना। हम लोग निकले थे, एक्चुअली मेरा सब चीज़ें मैं ब्लाउज बनाने के लिए दिया था ना वो लेना था, और अनिर्माण को थोड़ा सा बैग का काम था, तो रास्ते में ही फ़ोन आ गया रेनबो से कि अभी 10 मिनट में कॉल कर रहे हैं, नहीं तो पहले बोला था कि 1 बजे करेंगे, तो हम जल्दी जल्दी घर आ गए और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि नहीं वो एकदम ठीक है, और एकदम डॉक्टर के सामने हम वीडियो कॉलिंग में उसको बिठा ही नहीं पा रहे, वो उधर जा रही है इधर जा रही है, पकड़ पकड़ के लेके आ रही हूँ। डॉक्टर बोल रहा है कि आई कैन सी शी इज़ वेरी हैप्पी, डोंट वरी शी इज़ ओके। मेरी मम्मी भी बोलते कि अगर बच्चा खेल रहा होता है ना तो मतलब वो बहुत स्वस्थ है, अगर बच्चा खेल रहा है और प्रॉपरली खाना इनटेक कर रहा है दैट मीन्स शी इज़ ओके। ग्लोको के पास तो ग्लोको का लाला है ही, लाला बचा लेगा ग्लोको को। ग्लोको ये ब्लेजर अनिर्माण शादी में पहनने वाले थे, तो मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा प्रेस कराओ, खुद ही कल बोला था, बोले कि नहीं मैं खुद करूंगा। अरे जब मुझे आता है तो क्यों करें, पर ये सब चीजें घर पे नहीं करना चाहिए, इनके लिए स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो मैं मुझे मेरे पास वो है वो स्पेशलाइजेशन। पर इसके साथ क्या पहनोगे वो देखना पड़ेगा। आप लोग ये सीढ़ी देख रहे हो, ये खाली नहीं है, ये इतना दूर क्रॉस करके इन्होंने खुद ऊपर उठा है। बहुत मारते हैं इसलिए हेलमेट पहन के बैठे। ना ना नो करते नहीं। ग्लोको क्या करती है, मुंह के अंदर डालते हैं हाथ और निकाल के देखते हैं ये क्या है? राइस दाल बोला था मुझे बिरयानी देगा, दे रहे हैं दाल राइस। नहीं 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 खड़ा मत होना, ग्लोको इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, मैं कैसे खिलाऊं बोलो। थामी ने क्या बनाया है आज ग्लोको? आज हमारा वेज है, वेज में बना है पापड़ पत्ता गोभी और खिचड़ी। पापा आओ 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 आओ। सो ये है मम्मी जी का नया फोन, पुराना फोन मम्मी जी का एकदम खराब हो गया था और मम्मी जी को कुछ भी देते मम्मी जी नहीं लेती है, तो फोन मम्मी जी को जरूरत था तो मैंने बोला कि फिर फोन हम देते हैं, वो रिटर्न नहीं कर सकती है मम्मी जी क्योंकि इसका जरूरत था। मम्मी के पास एक जियो का वो छोटा वाला फोन है। हाँ। वो है। हाँ। बोले कि नहीं वो उसी से काम हो जाएगा। अभी इसका ओपनिंग होगा, इसका सेटअप बेटअप होगा, सिम लगेगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे। और मम्मी जी का इस फोन का कितना 50 मेगापिक्सल है, पहले 2 मेगापिक्सल था। इसका 50 आई डोंट नो मतलब कैसा होगा। अब तो मतलब मम्मी जी बोले कि उससे क्या होगा, मैंने बोला कि आप एवरीडे पिक्चर क्लिक करोगे और फेसबुक में डालोगे। आप क्या सोच रहे हैं ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं? नहीं, हमको देखना है कि अंदर सब ठीक ठाक है ना। प्रूफ ये ना फोन के हिसाब से ना आपको प्रूफ रखना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना
तो पता नहीं ना वो लोग बोल अंदर में आलू ये सब भी हो सकता है पत्थर। एक बार किसको पत्थर मिला था ना, वो आईफोन में मिला था, वो फोन ही है। सही है तो ये आ गया मोबाइल। खोलो देखिए कि रोमलेट ब्लू एटा ब्लू ऑर्डर कर रहे हैं। मम्मी जी को ब्लू पसंद था, मैंने देखा भी नहीं, बस मतलब इतनी जल्दी में हम लोग रहते हैं ना, अनिवन ने सिलेक्ट किया, बस मुझे बोला कि ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। ये मोबाइल आई थिंक नहीं, मेरा जो है इसका सेम ही है, ये 6.7 इंच का है। और इसका बैक है, इधर पे एक फिंगरप्रिंट का सेंसर भी है। एक्चुअली ये मोबाइल और एक मोबाइल मैं सिलेक्ट कर रहा था, दिस इज रेडमी 12C और एक मोबाइल था पोको 55। दोनों का प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सेम ही था, बट पोको में एक्सचेंज का कोई ऑफर नहीं चल रहा था। एक्सचेंज में बहुत पैसा मिला है, 600। क्या है ना कि देखो आप एक्सचेंज नहीं कराते हो ना, तो वो एक मतलब खिलौने के जैसा रह जाता है घर पे, कोई यूज नहीं होता है, इसलिए पहले एक्चुअली मैं यही सोचता था कि 400-500 में क्यों देंगे, रख देते हैं, तो ऐसे करते करते घर में ना पूरा पहाड़ बन चुका है। हाँ, उसका कुछ नहीं होता, लोहे के हिसाब से वो सेल करते हैं, कोई देता भी नहीं है। एक इजेक्टर टूल दिया है, सेम इजेक्टर टूल। अच्छा, ओके। और ये हाइब्रिड है? नो, मोस्टली। अरे हम ग्लोको को भूल ही गए थे, ग्लोको सॉरी, ग्लोको अभी फ्रूट्स खाएगी, अनिर्वन खिलाएगा, मैं एडिटिंग करूँगी, इसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे तिन्नी के घर वीडियो आप करने। और मम्मी जी का फ़ोन का क्या करना है, अपडेट आया है ना बड़ा सा कुछ, 5 MB का? बहुत सारा अपडेट आया है, सिस्टम अपडेट, देन कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अच्छा, सो आप लोगों ने ना बोला था कि मनुष्य तुम्हें डोंगल ले लो ना, नेट का प्रॉब्लम है, तो डोंगल है हमारे पास। प्रॉब्लम वो नहीं है कि हम एक्स्ट्रा टॉप अप तो भरवा ही सकते हैं ना, प्रॉब्लम इज दैट कि स्पीड नहीं है, मतलब मैं शायद फिर भी है ज्यादा प्रॉब्लम, मेरे घर में बिल्कुल पेज भी ओपन नहीं होता है, मतलब प्रॉब्लम इज दैट कि स्पीड नहीं है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो नहीं, डोंगल में नेटवर्क बैंडविड्थ ज्यादा रहता है, ठीक है, दैट इज फाइन, बट उसके लिए ना मोबाइल से सिम खोल के उसमें डालना पड़ता है, तो फोन नहीं आएगा उस टाइम। अच्छा, ओके। तो उधर पे हम लोग अगर डोंगल यूज भी करते हैं ना, उधर पे नेटवर्क भी नहीं है, एक ही टावर रहता है, तो हार्डली उसमें 2 या 3 टावर होगा शायद, थोड़ा सा स्पीड बढ़ सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये मुझे मालूम नहीं था, मुझे लग रहा था कि सेम ही होगा, तो फिर भी होगा नहीं, उसी लिए डोंगल भी नहीं ले पाते। सॉल्यूशन इज कि अगर वायर से आता है, मतलब जैसे वाईफाई होता है ना वैसे राउटर, तो राउटर ब्रॉडबैंड कनेक्शन वो तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम साल में शायद हार्डली 2 या 3 महीने रहते हैं ना, बाकी मम्मी पापा को तो यूज़ नहीं होता है, तो वही प्रॉब्लम हो जाता है। तो तिन्नी के घर में वाईफाई है, तो उसमें उधर जाना पड़ेगा फिर। कहीं पे भी ग्लोको को मुड़मुड़ा मिलता है, ग्लोको बैठ जाता है मुड़मुड़ा खाने के लिए, तो मुड़मुड़ा खा के ग्लोको घर आ चुकी है, और अभी ग्लोको करेगी ग्लोको का डिनर। इसको हटा दो, छोड़ी दो आइटम है, तो ये कर दो, छेड़ दो अपनी दीदी। ग्लोको का डिनर आ चुका है, पापा का भी डिनर हो गया है, हो गया नहीं है, मेरा भी डिनर आएगा। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला ठीक है दोनों बैठ जाओ, दोनों को खिला देंगे। जल्दी से जाओ, भात गरम है ग्लोका। तो आज का ग्लोको का राइस बहुत ज्यादा बना दिया है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, 2 टाइम का राइस एक साथ बना दिया मैंने। आज से बहुत राइस है। yes, नहीं ग्लोको, मैंने मम्मी को बोला है रोटी एक कम बनाना मेरे लिए, मुझे प्रसाद खाना पड़े। ये तो बहुत ही खराब हुआ। एजे। नहीं, ये थाली आप देख रहे हो ना, बहुत छोटा थाली है, नॉर्मल थाली नहीं है। और ये लिक्विड है, तो ग्लोको आधा खाएगी और आधा मैं खाऊंगी। ग्लोको आधा नहीं, फुल खाएगी। हाँ, वो तो ग्लोको का मन के बात है। जल्दी दो ऑर्डर तो खा। एक एक अच्छी ना, सॉरी तो गरम ना ग्लोको, बोलो ये तो खेते पारो तुम्ही। ग्लोको बहुत गुस्से वाली है, पता नहीं बड़ा होके क्या होगा। एकदम पापा पे गए।
गुस्सा है एकदम पापा जैसा। देखो पापा की गला रखी एकदम लकाई। शांति भाव 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 लकाई भाव ये ये ग्लॉको को खिलाते खिलाते उसका कपड़े उसका सारे बर्तन स्टेरिलाइज करते करते उसका खाना बनाते बनाते कब ये मतलब लूप हो रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मैं एक खत्म करके आ रही हूँ फिर ग्लॉको का दूसरा खाने का टाइम बन रहा है और मेरा एकदम नो रेस्ट। फेसबुक में एक फोटो भी मैं आप नहीं कर सकती हूँ ना। आओ क्या क्या है आप सोच नहीं सकते हो। डायरेक्ट जाके अरिवान के ऑफिस के लैपटॉप में हमला किया यूजर आईडी पासवर्ड के जगह तक पहुंच गया। उसको करना है ऑफिस बस एक साल रुक जाओ वो अगर ना खोल ले रहा। अभी मेरा लैपटॉप में अगर कुछ होता है तो मुझे इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। किड्स ने डैमेज किया। कल बहुत ही हेक्टिक डे है और अब रात तक आते आते देखोगे कि मेरा चेहरा ऐसा हो जाता है। सुबह उठ के ऐसा रहता है रात को ऐसा हो जाता है। मेरा इतना एनर्जी चला जाता है ना मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब कुछ भी नहीं कर रही हूँ पर फिर भी मेरा एनर्जी पूरा ड्रेन कर रहा है ग्लॉको सिंह क्योंकि अनिर्बान का जब मीटिंग आजकल चलता है ना वो पूरा मेरे गोदी में रह के रहेगी अदरवाइज वो चिल्लाएगी और चिल्लाएगी तो अनिर्बान मेरे ऊपर चिल्लाएगा। तो कल बहुत हेक्टिक डे है बहुत कुछ करना है बहुत कुछ है। चलो फिर मिलेंगे बाय टेक केयर गुड नाइट।